हेलो बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था मूर्ख बंदर की कहानी, जिसमें जो बंदर था उसने अपनी मूर्खता से राजा की नाक को काट दिया था। तो बच्चों, आज हम करेंगे उसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर। तो पहले शब्दार्थ में पहला है बंदर। बंदर का मतलब वानर। शरारती शैतान। शरारती का मतलब शैतान। सदैव हमेशा। सदैव का मतलब हमेशा। मनोरंजन, मन बहलाना। मनोरंजन का मतलब होता है मन बहलाना। कर्तव्य, कलाबाजी। कर्तव्य का मतलब होता है कलाबाजी। प्रिय, प्यारा। प्रिय का मतलब प्यारा। तो बच्चों, इस तरीके से जो हमारे शब्दार्थ है ये पूरे होते हैं। ये आपको होमवर्क में करना है। ये आपका होमवर्क है, इसे आप कीजिएगा। अभी अभ्यास। तो देखिए, अभ्यास में पहला है उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कि नंबर एक, राजा के पास था। राजा के पास क्या था? नंबर एक बंदर, नंबर दो हाथी, नंबर तीन घोड़ा। तो राजा के पास क्या था? राजा के पास एक बंदर था। तो हम दिखाएंगे बंदर पे। अब नंबर दो, राजा के पास रखी हुई थी क्या? रखी हुई थी नंबर एक किताब, नंबर दो तलवार और नंबर तीन घड़ी। तो राजा के पास क्या रखी हुई थी? तलवार। तो ये है नंबर दो पे। अब नंबर तीन है, तलवार के वार से राजा की कट गई। तो देखिए, जब जो बंदर था उसने तलवार के वार से राजा की क्या काट दी? नंबर एक नाक, नंबर दो उंगली और नंबर तीन कलाई। तो उसने राजा की क्या काटी? उसने राजा की नाक को काट दिया। अब आगे देखिए ख, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो नंबर एक है कि बंदर बहुत देश था। तो बंदर बहुत क्या था? नंबर एक बंदर बहुत देश था। तो बंदर बहुत क्या था? शरारती। नंबर एक शरारती। बंदर बहुत देश था, शरारती। नंबर दो, एक दिन देश सोया हुआ था। एक दिन कौन सोया हुआ था? राजा। एक दिन कौन सोया हुआ था? राजा। नंबर तीन, बंदर ने देश को हटाया। तो बंदर ने किसको हटाया था? बंदर ने मक्खी को हटाया था। जो मक्खी थी, बंदर ने उस मक्खी को हटा दिया था। मक्खी को हटाया। नंबर चार, बंदर ने देश उठा ली। तो बंदर ने क्या उठा ली थी? तलवार। तो यहाँ उत्तर क्या आएगा? उत्तर नंबर चार, तलवार। बंदर ने उठा ली तलवार। बंदर ने तलवार उठा ली। अब है ग, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लीजिए, उत्तर को दीजिए। तो नंबर एक, बंदर राजा का मनोरंजन कैसे करता था? तो बंदर राजा का मनोरंजन कैसे करता था बच्चों? बंदर राजा को तरह तरह के कर्तव्य दिखाता था। तो वो हम क्या लिखेंगे? उत्तर नंबर एक, बंदर राजा को तरह तरह के कर्तव्य दिखाता था। क्या दिखाता था बच्चों? कर्तव्य दिखाता था। मतलब भी तरह तरह की कलाबाजियां दिखाता था। अभी उत्तर नंबर, प्रश्न नंबर दो, बंदर कहाँ रहता था? तो बंदर राजा के पास रहता था, राजा के साथ रहता था। बंदर राजा के साथ रहता था। बंदर राजा के साथ रहता था। अब नंबर तीन, बंदर को क्रोध क्यों आया? क्योंकि बंदर ने जो था वो जो मक्खी थी वो बारी बारी से राजा की नाक पर आकर बैठ रही थी। इसलिए बंदर को क्या आ गया था बच्चों? क्रोध आ गया था। तो उत्तर नंबर तीन लिखेंगे। उत्तर नंबर तीन क्या है कि जो बंदर को क्रोध क्यों आया? क्योंकि बंदर ने मक्खी को राजा की नाक पर से
नागपुर से बंदर, बंदर जो था, जो बंदर था कि कई बार उड़ाया, जब बंदर ने मक्खी को, क्योंकि जब बंदर ने मक्खी को कई बार उड़ाया, जब बंदर ने मक्खी को कई बार उड़ाया, जब बंदर ने, जब बंदर ने मक्खी को कई बार उड़ाया, कई बार बंदर ने मक्खी को कई बार क्या करा बच्चों, कई बार उड़ाया, परंतु परंतु वह वापिस राजा की नाक पर, परंतु उड़ाया, परंतु परंतु वह वापस राजा की नाक पर आ जाती थी, उड़ाया परंतु वह राजा की नाक पर, राजा की नाक पर, परंतु वह राजा की नाक पर जा बैठती, परंतु वह राजा की नाक पर जा बैठती, जिससे बंदर को क्रोध आ गया, बैठती, इसीलिए बंदर को क्रोध आ गया, इसीलिए बंदर को क्रोध क्रोध आ गया, क्रोध आ गया। अब हम आगे, राजा ने नाक कट जाने पर बंदर का क्या किया, क्या किया राजा ने, राजा ने उसको महल से दूर भिजवा दिया, राजा ने उसको महल से दूर भी भेज दिया कि भाई ये तो मूर्ख बंदर है ना, इसलिए उत्तर नंबर चार, राजा ने नाक कट जाने पर, नाक कट जाने पर, राजा ने नाक कट जाने पर बंदर को, बंदर बंदर को नाक कट जाने पर बंदर को अपने महल से निकाल दिया, नाक कट जाने पर बंदर को तुरंत महल से, तुरंत महल से निकाल दिया, नाक कट जाने पर तुरंत बंदर को महल से निकाल दिया, ऐसे लिख देते हैं बच्चों, नाक कट जाने पर तुरंत तुरंत बंदर को, तुरंत बंदर को, तुरंत बंदर को महल से, तुरंत बंदर को महल से, महल से बाहर निकाल दिया, तुरंत बंदर को महल से निकाल दिया, निकाल दिया। इस तरीके से बच्चों हमारा जो लेसन है ये पूरा होता है, ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों इस पाठ को आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न उत्तरों को लिखना है और विकल्प वाले अपनी बुक में इसको भरना है। तो बच्चों कल हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, धन्यवाद।